नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं रत्नेश पांडे। अब बिहार में अगर आपको इमरजेंसी में कोई नंबर लगाना है या इमरजेंसी में किसी से सहायता लेनी है तो एक ही नंबर होंगे, 112 डायल करना होगा आपको, और आपको इमरजेंसी में बिहार प्रशासन के द्वारा जो है आपको मदद भेजी जाएगी। बता दें आपको कि बिहार में सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक ही नंबर 112 होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है और मई के पहले पखवाड़े में इसकी शुरुआत हो जाएगी। हजारों पुलिसकर्मियों को आपातकालीन सेवा के लिए लगाया गया है। पहले चरण में सभी जिला मुख्यालय को इससे जोड़ा गया है। इसके लिए सभी संसाधनों से युक्त गाड़ियां 24/7 की तर्ज पर तैयार रहेंगी और मिलने वाली सूचनाओं पर तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगी। इस तरीके से काम करेगा डायल 100 112, और इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से सभी गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सूचना आने पर तुरंत उस लोकेशन में जो गाड़ी होगा कंट्रोल रूम में उसे तुरंत वहां भेज दी जाएगी ताकि लोगों को तुरंत सुविधा मिल सके। तो अगर आपको इमरजेंसी में कोई नंबर लगाना है प्रशासन के पास में तो डायल 1112 जो है वो आपको डायल करना पड़ेगा और आपको मदद मिल जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगली खबर के लिए जुड़ी रहे NBC 24 के साथ। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।